यो यो गाइज, हेलो नमस्कार और क्या हाल चाल। वेलकम बैक हो गया सुलो का लकी मत 999 प्लस के ब्रांडेड वीडियो पर। तो गाइज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक खतरनाक वाला मोड। हाँ गाइज ये बेबी मोड है, लेकिन गाइज आप लोग तो ये जावा एडिशन में देखे होंगे ना, लेकिन ये पॉकेट एडिशन वाला है, एक खतरनाक वाला बेबी मोड। और यस गाइज इस वाला बेबी मोड में बहुत सारी कूल कूल चीजें हैं और कुछ तो चेंज भी है जो मैं तुमको गेम के अंदर ही बताऊंगा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक का गोल रख रहा हूँ, दैट्स अ लाइक। अबे साले मजाक कर रहा हूँ गाइस, 15 लाइक का गोल है। मुझे पता है आप लोग ये जरूर से कंप्लीट कर दोगे, तो फिर चलो वीडियो के अंदर ही। तो तुम लोग इस पेड़ को तो देखकर सोच रहे होगे हाथ कौन चलाता है इस बेबी मोड में, लेकिन यही तो ट्विस्ट है। अखियां मिलाने से ये पेड़ नहीं टूटेगा, हाथ से तोड़ना पड़ेगा। ये तो छोटा सा ही चेंज है, आई होप कि आगे और ज्यादा कुछ बड़ा चेंज ना हो। मैंने तो अभी नोटिस किया, मुझे तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस और फायर रेजिस्टेंस का इफेक्ट मिल चुका है और ये परमानेंट है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि नॉर्मल मैन के जल्द से गेम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए नए चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिकेक्स भी रेडी भाई, क्या फॉर्चून मेंडिंग अनब्रेकिंग ऑप्शन से भाई, मतलब सब दे दिया भाई। पास में ही पत्थर है, इसको तोड़कर थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं भाई। पिकेक्स बेस्ट बनाने के लिए भाई कोल गोल्ड रेडस्टोन आयरन भाई, मतलब रैंडम चीजें मिल रही है वो भाई। लेकिन मजा आता तब आएगा जब ऐसे डायमंड, ओ भाई डायमंड मिल चुका भाई, डायमंड मिल गया भाई, डायमंड। भाई भगवान प्लीज यार, ये मोड अगर हम नॉर्मल एसएमपी और दूसरे वर्ल्ड में ले जा पाते प्लीज भाई। मैं मारूंगा तुमको भाई, मैं आज तक झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी एन्चेंटेड लकड़ी की पिकैक्स यूज नहीं किया। ओके गाइस, मेरे पास बहुत सारे आयरन कलेक्ट हो चुके हैं और मेरे हाथ में खुजली जैसे कुछ हो रहा है, ये जानने के लिए कि आर्वन में ये एन्चेंटमेंट क्या दे रहे हैं। ये तो एन्चेंट नहीं है। अच्छा, हाथ में पकड़ने से ये एन्चेंट हो रहे है भाई, इसमें भी मैक्स लेवल का एन्चेंटमेंट मिल रहा है भाई, क्या हो रहा है। के लिए तो मेरे पास लिमिटेड आयरन था चड्डी और बनियान को क्राफ्ट करने के लिए। भाई मेरे पास 8 डायमंड है, उनका स्वॉर्ड एक्स और पिकैक्स को क्राफ्ट कर भाई, एन्चेंटमेंट भी इसमें भी, ये तो मानना पड़ेगा। पॉकेट एडिशन वाले बेबी मोड में तो एन्चेंटमेंट मैक्स लेवल मिला है, वो क्या शार्पनेस 5 भी हो। एन्चेंटमेंट में कंजूसी बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सीधा चलो एंड्रॉइड में पहल के चले। क्या बढ़िया था गुरु। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूँ आसमान की ऊंचाई में, ऑलमोस्ट क्या एक ही स्टेक स्टोन का ब्लॉक को यूज करके आया हूँ और ये माउंटेन के ऊपर सफेद सफेद भाई स्नो भाई में इतनी जल्दी मिल गया, कमाल है भाई। अभी चलो देखते हैं बेबी को इतना ऊपर से कितना भी डैमेज पड़ता है। 3 2 1 जंप, यूहू। ओ भाई 0 भाई, रियली भाई पी वाला बेबी मोड तो सच में अनबिलीवेबल है। ओ बैठे मौज कर दी बैठे भाई, सच्ची में मजा आ गया। शाम भी हो गया, अब थोड़ा भूख भी लग रहा है, चलो खाने का जोड़। चिकन भाई एक के बाद एक भाई इनफिनाइट भाई। गाइस देखो मैंने कोई भी चिकन को नहीं मारा है और ये स्वॉर्ड भी कमाल का है, सीधा ही कुकड़ खाना दे रहा है। और गाइस देखो सीधा ही 3 से 5 एक्सपी हो गया, कमाल है, इतनी जल्दी 45 कुकड़ खाना हो गया। देखते देखते शाम से रात हो गया और ये हमारा पहला रात है इस बेबी मोड में और ये मुझे खुद चिकन है, कैसा कहूंगा इस बेबी मोड में है। हो भाई 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 देखते ही गए भाई भाई भाई, वो भाई भाई हमारे डिस्टेंस में ही आते हैं ये, खत्म खतरनाक भाई। चलो मैं आप लोगों को मिलता हूँ सीधा ये क्रेजी से कुछ ढूंढने के बाद, तब तक मैं इन मोबलों को देखते हुए चलता हूँ। वो भाई ये अलग सा ही डायमेंशन की तरह लग रहा है, केव के अंदर पेड़ लग रहा है, खतरनाक भाई, खतरनाक चीजें हो रहा है भाई। क्रीपर दिख गया, क्रीपर भाई अब तू कहाँ जाएगा, नॉर्मल वर्ल्ड में तो बहुत फुटता है, अब फुट के दिखा भाई, इसको ही तो बोलते हैं सुकून। हर बार क्रीपर से फटक फट कर तंग गए गए थे, अब क्रीपर मुझे देख कर डर रहा है। एक सेकंड भाई, जो भाई स्केलेटन जोम्बी की तरह क्यों भाग रहे, बिना पो के साथ भाई यहाँ पर जोम्बी स्केलेटन बन गए। मैं नहीं बताऊंगा भाई, एक ने भाई सारे बिना बोधरी है भाई, भाई स्केलेटन हैकर हैकर। ऐसे ही चलते ओ भाई क्या मिल गया, डेजर्ट टेंपल भाई, अब तो मेरा फटने का मन हो रहा है टेंट से। चलो भाई जल्दी से, अब तो रहा नहीं जा रहा, मरमुरा के तो कोई ना रिस्क पे ही हर काम है। तो गाइज क्या बोलते हो, जब मारे तो भाई चलो, जो होगा देखा जाएगा, चश्मे गोल्डन टेम्पल कोई ना छोड़ो। ओ भाई 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 लिटरली पूरा गुफा गुल गया, लेकिन हमको इतना सा भी डैमेज नहीं पड़ा। ओ भाई भाई ये क्या मोड है भाई, क्रिएटिव जैसा फीलिंग्स दे रहा है। ऊपर को तो आ गए, अब हमारे नेक्स्ट रोल लगते हैं नेदर को जाने अब का। चलो सामने इतना बड़ा समुद्र दिख रहा है, उसको तैर कर पार करते हैं। ओ
भाई सीधा गॉड से ही मैसेज आ रहे, आप लोग तेरना कष्ट मत करो, मैं आप लोग बोर दे रहा हूँ। भाई भाई कमाल का है भाई, खतरनाक। और भाई देखो कितना सारा बोर दे दिया भाई आपका, बात मानते हुए मैंने बोर को पानी में लगा दिया, खतरनाक भाई। अब चलो लवाबुल को ढूंढने चलते हैं, डेजर्ट में तो सबसे आसानी से मिलना चाहिए। डेजर्ट में आ ही गए तो कैक्टस का भी देख लेते हैं। जेमेज सही भाई, मैंने सही सोचा ये जेमेज नहीं दे पाएगा भाई, कोई ना। और भाई ये मोब लोग कोशिश भी क्यों कर रहे हैं भाई, मैं इनको देखते ही खत्म कर दूंगा। लवाबुल को ढूंढते ढूंढते रात हो, रात में तो लवाबुल चमकता है ना भाई। लवाबुल मिल चुका है फाइनली भाई। अब चलो जल्द से पोर्टल को बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ आयरन है तो बकेट में लेते, तब से मैंने पानी नहीं लिया था। कहने को तो मैं एक बड़े से डेजर्ट में था, लेकिन हमारे बगल में पानी का इतना बड़ा समुद्र है भाई, कमाल का मैजिक हो रहा है। बगल वाले समुद्र से तो मैंने पानी ले लिया, अब चलो पोर्टल को बनाते हैं। लावा और ऑब्सीडियन के सहायता से, मतलब लावा में पानी डालकर ऑब्सीडियन को निकाल कर, वही टेक्निक। इन सब के बीच में तो लावा को टेस्ट करना ही रहेगा, तो चलो देख ले। No God please no। ओ भाई डैमेज नहीं बढ़ रहा, ओह सर सॉरी मैं भूल गया था, मेरे पास तो फायर रेजिस्टेंस है इन्फिनाइट वाला, लेकिन लावा में देने का जो मजा है ना वो पानी में देने से नहीं आएगा। अब चलो चलो पोर्टल को बनाते हैं जल्दी से। पोर्टल तो बनके रेडी हो चुका है, सिर्फ इसको लाइट अप करना है फ्लिंट एंड स्टील से, जो मैं फ्लिंट भूल चुका हूँ। पास में समुद्र है, वहाँ पर जाकर फ्लिंट को ले आते हैं। समुद्र से ग्रेवल को लाने के बाद क्या ये फॉर्चून 3 से एक ही बारी में मिल सकता है? जब भाई ओ भाई सच्चे में मिल गया, ओह भाई मुझे नहीं पता था ये सच्चे में मिलता है ना, मेरा किस्मत है। अब चलो पोर्टल को माइनक्राफ्ट के जादू से लाइट अप करके चलते हैं नेदर को। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था नेदर में ऐसा भी चेंज हो सकता है इस पी वाले बेबी मोड में, इस पी के बेबी मोड और जावा के बेबी मोड। ओ भाई भाई कौन सा जगह पर मेरे छोड़ दिया भाई पोर्टल को। अच्छा हुआ कि मेरे पास फायर रेजिस्टेंस है, वो भी इन्फिनिट वाला, नहीं तो यहाँ पर काम ही खत्म हो जाता भाई। ये भी कौन सा जगह पर स्पॉन देते हैं। अब चलो जंप मार के चलते हैं जमीन पर। भाई अच्छा हुआ अभी के लिए तो फायर रेजिस्टेंस था, लेकिन अगली बार अगर ऐसा स्पॉन दे दिया तो भाई खत्म, सारा गेम ही खत्म। और मैं कहा था हाँ ये पी जावा से एकदम ही ऑपोजिट है, जैसे कि जावा में ऐसे टाइप करने से ही मिल जाता है ब्लेजर और एंडरपोल, लेकिन यहाँ पर जाके मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट, पी में ब्लेजर्स और एंडरमैन को देखते ही वो लोग गायब हो जाते हैं, मतलब वो अपना सामान ड्रॉप कर देते हैं। भाई देखो बातें करते करते मुझे फोर्ट्रेस और एंडरमैन का बायो भी मिल चुका है भाई, नसीब तो नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है। और आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, ये जोमीफाइड सुअर तो एक को मारने से उनका झुंड आ जाता है, लेकिन ये कोई नहीं आ रहा है। गजब बेइज्जती है। ओ चेस्ट, चलो नसीब भाई डायमंड भाई, नसीब को क्या बोलूं, नेक्स्ट लेवल नहीं चल रहा है। ये किस्मत को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ब्लेजर स्पॉनर भी सामने ही मिल जाएगा, ज्यादा ढूंढने का जरूरत ही नहीं है लगता है। भाई क्या बोल रहा था, मिल चुका है ब्लेजर्स का स्पॉनर भाई, इनके पास आते ही तो ये लोग खत्म हो गए। चलो तो फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ बहुत सारे ब्लेज के डंडियों को कलेक्ट करने के बाद। ओके तो गाइस मैंने बहुत सारे ब्लेज के रोड कलेक्ट कर चुका हूँ, अब एंडरपल की बारी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ एंडरमैन की आंखों में देखने के बाद वो कैसे दुम दबा कर भागते हैं। एंडरमैन हर बार मेरे पीछे पड़ रहे थे, गलती से इनके आंखों में देख जाओ ये पीछे पड़ जाते हैं। अब देखता हूँ ये कैसे बचते हैं। भाई एंडरमैन का बायोम ही है ना, इतने कम कम आ रहे हैं एंडरमैन। ब्लेज रॉड एंड एंडरबॉल तो कलेक्ट हो चुके हैं, अब ऊपर को जाना पड़ेगा, इतना ऊपर अब चढ़ के जाना पड़ेगा भाई। दुख और दर्द और क्या बोलूं भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ तक ब्रिज कर के आया हूँ। और यहाँ से कुछ ही ब्लॉक के दूरी में है हमारा पोर्टल, यहाँ से जंप कर लेते हैं। सही सलामत पहुँच गया, अब चलो ओवरवर्ल्ड को, हमारा अधूरा काम भी ओवरवर्ल्ड में ही होगा। आ गया मैं नेदर से, भाई भूख भी लग गया था। अब चलो जल्द से आयो बैनर को क्राफ्ट करते हैं, जितना आयो बैनर को हो सकता है उतना क्राफ्ट करके बिना समय को गवाए जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने को। आयो बैनर के रुके नहीं भाई, बहुत सारा है और ये मूव का ही है, छोड़ो भाई चलो सीधा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ को। लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है भाई। मजे की बात तो ये है, रेगिस्तान से पानी आ गया लेकिन अभी तक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिला। आई होप कि पानी में ही स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख जाए तो अच्छा है। नहीं भाई और कितना देर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, पानी से जमीन आ गया लेकिन ये फिर भी आगे को ही बता रहे भाई। अभी तो आयो बैनर के भी कंजूसी होने लगी और खाना भी खत्म होने को आया है, पर्ल भी मिलने को भी कंजूसी कर रहे। भाई व्हाट भाई, विलेज मिल गया, क्या कमाल भाई। चिकन 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 मैं आ रहा हूँ, खाने का जुगाड़ हो गया भाई, अब तो इन्फिनाइट खाना होगा। अब चलो फिर से देख लेते हैं डायरेक्शन, आसपास में भी होगा तो अच्छा। भाई नीचे को जा रहा है, कांग्रेचुलेशन मी गाइज, भाई इतनी खुशी आज तक नहीं हुई भाई, कितना ट्रेवल किया मैंने इसको ढूंढने के लिए। ये सीधा पोर्टल रूम के पास ही निकाला तो बहुत अच्छा है, और ज्यादा ढूंढा नहीं जा सकता भाई। भाई मुझे तो लग रहा था मैं बुढ़ा हो जाऊंगा इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढते ढूंढते। वेव को इग्नोर मार के नीचे खोदते चलो भाई, मेरे ध्यान में तो अभी
कितना सारा सामान मिलता होगा इस स्टोन को खोदने पर, इन्वेंटरी एकदम फुल। कब मिलेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड? ओ भाई मिल गया फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब तो सिर्फ पेट्रोलियम को ढूंढना ही बाकी है। भाई आसपास में लावा का साउंड आ रहा है। भाई भाई मिल गया भाई स्पोटल रूम। सबसे पहले इस स्पॉनर को तोड़ते हैं। मुझे पता ही है मेरे पास स्पॉन नहीं हो पाएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी भाई ऑलरेडी 2 लगे हुए हैं सिर्फ, और 10 लगाना है। बिंदास लगाते जाओ बस, और थोड़ा सा ये लाइट ऑफ हो चुका है। अब चलो सीधा ही चलते हैं एंड को। अभी ड्रैगनिक बचकर कहां जाएगी, उसका तो खात्मा। एंडेड ड्रैगन आई विल डिस्ट्रॉय, नो ड्रैगन आई विल डिस्ट्रॉय यू। भाई इतना भी स्पैम मत कर, मुझे पता है तो सपना देख रहा है। अच्छा ठीक है समझ गया। भाई गेम वाले भी कमल के हैं, उनको पता है मैं मर नहीं सकता, इसलिए मुझको बोला खाली जगह में छोड़े। अच्छा हुआ कि मेरे पास ब्लॉक थे, ब्लॉक को लगा लेकर मैंने पहुंच गया। अब यहाँ से तोड़कर ऊपर को जाते हैं। पिकेक्स का सही यूज। और ड्रैगनी मैं आ गया तेरा सपना तोड़ने। भाई ड्रैगनी अभी तक स्पैम कर रहा है। भाई कितने देर तक स्पैम करेगा ड्रैगनी, रुक जा अभी। रुक जा ड्रैगन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कितना डिस्ट्रॉय भाई, भाई ये भी एक बड़ा सा चेंज है। यहाँ पर टाइप करने से ड्रैगन नहीं मरता, जैसे हम नॉर्मल ड्रैगन को मारते हैं वैसे ही मारना पड़ेगा। भाई इसके पास और इसको देखने से तो ये नहीं मर रहा। भाई ये चेंज है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ये बहुत जोर जोर से गरज रहा है, इसको जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। मुझे एक चीज टेस्ट करना था, इसके ब्रीथ से क्या उसको डैमेज पड़ेगा। मेरे पास थॉर्न्स का आर्मर था शायद, हाँ थॉर्न्स था, हाँ हल्का हल्का डैमेज पड़ रहा है उसको। भाई दूसरे डैमेज से तो वो नहीं मरेगा, और मैंने वो भी नहीं क्राफ्ट किया था जल्दबाजी। लगता है इसको स्वार्ड से ही खत्म करना पड़ेगा। सामने स्पाई है, पोषण वोषण की जरूरत नहीं। भाई जस्ट खत्म होते होते ये ऊपर को चला गया, इसका किस्मत अच्छा था। लेकिन अगली बार अभी तो इसको मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, अभी तो इसको खत्म। भाई फाइनली हो गया ये ड्रैगन। भाई कितनी देर से ये आई विल डिस्ट्रॉय यू कर रहा था, लेकिन यही डिस्ट्रॉय हो गया। भाई जो भी बोलो, इसका जो ये लाइट निकलता है ना वो कमल का ही लगता है, और ये एक्सपी जो गिराता है इसका क्या ही कहना। फटाफट से 6 से 55 एक्सपी हो गया, और क्या बोलूं, सारे मिशन मैंने कम्प्लीट कर दिया, गेम को बीट कर दिया। अच्छा अंडा लेना रह रहा था, इसको लेकर चलते हैं ओवरवर्ल्ड को। भाई गलती से गिर गया मैं। और गाइस हमने गेम को कम्प्लीट कर दिया माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वाले बेबी मोड में। ओ क्या बनना, स्किप मारते हैं। और गाइज आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके तो मैंने गेम को बीट कर दिया, और चाहता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता था। मेरे अनुमान से तो पॉकेट एडिशन वाले बेबी मोड में तो किसी ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। आप लोग अगर चाहते हो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में तबाही हो जाना चाहिए, और लाइक तो कंप्लीट कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अगर मैं अपलोड करूँ तो आप लोग को पहले दिख जाए। सब्सक्राइब कर लेने के बाद अगर मेरा आने वाला कंटेंट आपको पसंद नहीं आया तो आप लोग बिंदास सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ मेरे एक न्यू धासु और ब्रांडेड वीडियो पर। तब तक सी यू सुन गाइज़।